सो लुक देखकर आपको पता ही चल रहा होगा, ये मैंने मेकअप किया है। दुर्गा पूजा और नवरात्रे भी आ रहे हैं तो उनके हिसाब से, तो ये मैंने लड़कियों के हिसाब से मेकअप किया है। आई होप आप सभी को ये काफ़ी अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल ना भूलें, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। यहाँ पर मैं जॉय का मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर रही हूँ और इसे अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बहुत हल्की हल्की शाइन देता है फेस पर, तो ये लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा हैवी चंकी वाले पार्टिकल्स नहीं हैं इसमें, तो बहुत अच्छा प्राइमर है। इसके बाद मैं मिस रोज़ का जेल आईलाइनर ले रही हूँ ब्राउन कलर का, इसे मैं अपनी आईब्रोज़ को ठीक कर लूँगी। अब मैं वेट एंड वाइल्ड का मीडियम शेड ले रही हूँ कंसीलर में, इसे हम अपने आईलेट पर अप्लाई कर लेंगे ताकि जो भी हम आई शेडो अप्लाई करें वो बहुत अच्छे से दिखे। और इससे मैं अपनी आईब्रो भी हाईलाइट कर लूँगी। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये अच्छे से सेट कर देता है कंसीलर को, इसलिए मैं इसके बाद मैं पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। ये है शेड नंबर 01 आई थिंक, फेयर टोन स्किन के हिसाब से है, तो इसे हम जो कंसीलर है उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब मैं मिस रोज़ की आई शैडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें मैं सबसे पहले रस्टी ब्राउन कलर ले रही हूँ, इसे हम क्रीज लाइन पर अप्लाई करेंगे सबसे पहले और स्लोली स्लोली ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, तो इसे भी मैं वहीं पर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पर मैंने पहले आई शेडो यूज़ किया था, तो इसे भी क्रीज लाइन पर ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं मास्क की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, ये मल्टी कलर आई शेडो पैलेट है। इसमें मैं रेड कलर ले रही हूँ, ये शिमर है, तो पहले मैंने ब्रश से अप्लाई किया था लेकिन वो अच्छे से अप्लाई हो नहीं रहा है ब्रश से, तो अब मैं ये पफ की मदद से इसको अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि पफ से ये इस टाइप के आई शेडो बहुत ईजीली अप्लाई हो जाते हैं और अच्छे से आप देख सकते हो कितना अच्छा पिगमेंटेशन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे येलो गोल्डन कलर ले रही हूँ, ये हल्का सा शिमरी आई शेडो है तो हल्का सा शाइन करता है, तो इसे इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर लेंगे। अब आउटर कॉर्नर पर मैं ग्रीन कलर का आई शेडो ले रही हूँ, तो ये लास्ट जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर हम ग्रीन आई शेडो से स्मोकी लुक देंगे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा आप ग्रीन कलर ले सकते हो ताकि अच्छे से कलर दिखाई दे। इसके बाद जो लोअर आईलिड है उस पर हम यही रेड कलर का आई शेडो अप्लाई करेंगे, इसको हल्का सा स्मोकी लुक देंगे। इसके बाद मैं आईलाइनर ले रही हूँ जो कि है कलर बार का, और काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, बिल्कुल जेड मैट कलर देता है और इस टाइप के आईलाइनर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली जो ये फेल्ट वाले आईलाइनर होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ईजीली अप्लाई हो जाता है आईलाइनर। इसके बाद वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन और शेड नंबर है मेरा न्यूड आइवरी। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करता है फेस को और कवरेज इसकी काफ़ी अच्छी है। 300 to 400 में इजीली आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, पर्पल, नाइका पे शायद ना मिले लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे इजीली आपको मिल जाएगा, और मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी पसंद भी है, तो इसे ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ फेयर टोन स्किन के हिसाब से, शेड नंबर आई थिंक इसका 01 है, तो काफ़ी अच्छा है ये कॉम्पैक्ट पाउडर। इसे हम पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग का के लिए एले गर्ल का कॉन्टोरिंग किट ले रही हूँ, ये किट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे बहुत पसंद है, तो इसे हम अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लेंगे। अब मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की मदद से, और बीच में मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ही अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मैंने कॉन्टोरिंग की है वो अच्छे से हाईलाइट हो और हमारी नोज़ स्ट्रेट लगे। अब मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ ब्लू हेवन का, ये लूज़ पाउडर भी मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये आई थिंक ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 110 रुपीज़ में। अब मैं हाईलाइटर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का 02, इसका शेड है रोज़ गोल्ड है शायद नाम इसका, तो इसे मैं आईब्रो बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर हमने अप्लाई किया हुआ था उसे ब्रश की मदद से अच्छे से रिमूव कर ले। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी अपनी आईज़ पर,
इसके बाद मैं ये सिवाना की ब्लशर पैलेट ले रही हूँ। तो ये जो ब्लशर पैलेट है इसमें काफ़ी सारे ब्लशर के जो कलर हैं, बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। और एक हाइलाइटर भी दिया गया है, तो इसमें मैं जो पिंक कलर और ये जो पीच कलर है इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक बहुत अच्छा सा शेड आए। तो इसे हम अपने दोनों चीक्स पर अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ हाइलाइटर की मदद से। नोज़ और फोरहेड पर भी ज़रूर हाइलाइटर लगाएं, रात को ये हाइलाइटर काफ़ी अच्छे लगते हैं और आपका फेस काफ़ी शाइनी शाइनी लुक देता है। इसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ 04 सालमोन स्विस ब्यूटी। ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, एक मूस टाइप की लिपस्टिक है, बिल्कुल वेलवेट लुक देती है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। तो ये मेरी फेवरेट है ये लिपस्टिक, और ये ब्राइट रेड कलर है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अब मैं बिंदी अप्लाई कर रही हूँ, ये काजल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने गर्ल्स के हिसाब से ये मेकअप किया है, तो काजल जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा, एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है लड़कियों पर। आप चाहो तो चिन पर भी डॉट्स बना सकते हो, जैसे 3 डॉट्स बनाते हैं वो, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है फाइनल लुक, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगे। अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। बाय बाय। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का। अब मैं ब्लशर ले रही हूँ सिवाना का, और मेरा शेड नंबर है 02 जो पैलेट नंबर है। इसमें मैं पिंक और पीच इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने पिंक और पीच कलर लिया है। इसके बाद हाईलाइट कर लेंगे अपने चीक्स को और नोज़, फोरहेड, जहाँ जहाँ आपको लगता है आपको हाईलाइट करना है आप उस एरिया को हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद मैं लिपस्टिक ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की 04 सालमोन। मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद, ये बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर देती है, मूस टाइप की ये लिपस्टिक है और ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये कलर लिप्स पर, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो यह है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगे। और मैं अब काजल लगा रही हूँ, इसे एज अ बिंदी की तरह हम यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो आईज़ के जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, और मैंने थोड़ा सा चिन पर भी अप्लाई किया हुआ है काजल, 3 डॉट्स बनाए हैं ताकि थोड़ा गरबा वाला लुक लगे हमारा। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगे। अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।